पिछले अंदोलन कंडेला कांड, मंडियाली कांड, सतनाली कांड, कादवा कांड, निशंक कांड, उनमें भी 32 किसान सरकार की गोलियों का शिकार हुए। क्या आप इन्हीं कातिलों को दोबारा से बनाते रहोगे या कोई और रास्ता निकलोगे? हमारे मंच पे आके कोई पुलिस वाला, कोई सरकार का अधिकारी ये बता दे कि 307 कैसे लगी, हमें बता दे कि उन्होंने क्या अपराध किया है, कहीं गोली चलाई है, किसी में मारने का हमला किया है, कोई तोप चलाई है, आखिर 307 कैसे लगे ये हमें बताए। मीडिया भी खड़ा है यहाँ पे, सरकार की इंटेलिजेंसी सीआईडी भी खड़ी है यहाँ पे, हमें मंच पे आगे बता दे, पूरी पंचायत को आगे बता दे कि आपका बच्चा दोषी है, आपके किसान दोषी है। और अगर वो दोषी नहीं है, अगर उनका कसूर 307 का नहीं है, फिर भाई धरने पे जाने का, आंदोलन में जाने का तो सभी को अधिकार है। सम्मानित मंच, सभी संगठनों से, खापों से आए सभी प्रतिनिधि, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं, जो फैसला है वो तो यही भाई सुना देंगे, अच्छी बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार आज जो जुल्म कर रही है वो शायद इसलिए कर रही है कि हरियाणा का जो किसान है, हरियाणा के जो लोग हैं, वो जिस तरह से आंदोलन में निकलना चाहिए था उस तरह से नहीं निकल रहे, और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे में आपस में सहमति ठीक से नहीं बढ़ पाई, ठीक से राय नहीं हो पाई आंदोलन चलाने से पहले। लेकिन अभी हम उस प्रयास में लगे हुए हैं, हम डल्लेवाल जी की कमेटी को भी मिले हैं, अंधेर जी को भी मिले हैं, जो एसकेएम है उसको भी मिले हैं। हमने सबके आगे एक प्रार्थना की है कि किसी तरह से एक कॉमन कमेटी, एक साझी कमेटी बना के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जैसे पिछला आंदोलन बढ़ा। हरियाणा के भाई कुछ लोग यहां से जो जाते हैं, वो जिन जिन बॉर्डरों पे भी गए उन्हीं पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और इन तीन के अलावा भी कई लोग और जेल में हैं जो अंबाले की तरफ से गए थे, उन पे भी काफी लोगों पे मुकदमे बने हैं और उन पे भी 307 लगी हुई है। तो हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि हरियाणा में कुछ नहीं होगा। हमारे भाइयों पे जिन पे मुकदमे बनाए गए हैं अवैध हैं। हमारे मंच पे आके कोई पुलिस वाला, कोई सरकार का अधिकारी ये बता दे कि 307 कैसे लगी, हमें बता दे कि उन्होंने क्या अपराध किया है, कहीं गोली चलाई है, किसी में मारने का हमला किया है, कोई तोप चलाई है, आखिर 307 कैसे लगे ये हमें बताए। और अगर सरकार के पास जवाब नहीं है, हम खुले मंच से कह रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है कि हमारे लोगों ने गलती की, किसी को मारने की गलती की, किसी को मारने का प्रयास किया, मीडिया भी खड़ा है यहां पे, सरकार की इंटेलिजेंसी सीआईडी भी खड़ी है यहां पे, हमें मंच पे आगे बता दे, पूरी पंचायत को आगे बता दे कि आपका बच्चा दोषी है, आपके किसान दोषी है। और अगर वो दोषी नहीं है, अगर उनका कसूर 307 का नहीं है, फिर भाई धरने पे जाने का, आंदोलन में जाने का तो सभी को अधिकार है, वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार इस तरह से अत्याचार करेगी तो फिर हम सरकार को एक चेतावनी बड़ी साफ सी दे देना चाहते हैं कि फिर इसका रिजल्ट भुगतने के लिए भी क्या है, फिर कोई 2, 4, 10 को जेल में डालने से काम नहीं चलेगा, फिर तो हम सब सड़कों पर उतरेंगे। इस बात की आप सहमति दीजिए कि प्यार हो कि नहीं, प्यार तो हो, आपने हाथ उठा लिए। इसके लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है,
एक तो अनुशासन की जरूरत होती है, बिना अनुशासन से लाखों की फौज भी हार जाती है, वही हमारे साथ हो रहा। अनुशासन क्या है, किसको कहते हैं अनुशासन? हमने बोल दिया कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, मान लिया हमने बोल दिया कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, और हमारे लोग जाके बच्चे मारना शुरू करते, फिर अनुशासन कहां बचा? हमने बोल दिया कि हम एक थाने का घेराव करेंगे और अन्य लोग अपनी मर्जी से दूसरा ही काम करना शुरू कर देंगे। हमने कह दिया कि भाई एक रोड रोकेंगे, वो आते जाके दूसरे रोड पे ही बैठ जाएं। अनुशासन क्या है? एक राजा ने दूसरे राजा से पूछा कि आपके पास थोड़ी फौज है फिर भी हर लड़ाई जीत जाती है। उसने कहा कल समुद्र के किनारे आ जाना, वहां पे मैं तेरे को इसका उदाहरण दूंगा। समुद्र के किनारे सवेरे राजा आ गया, उसने अपनी फौज वहां बुलाई और अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि पानी की रस्सी बांटो। अब समुद्र के पानी की कोई रस्सी बंटती नहीं है, सबको पता है। मेरे जैसे अगर सैनिक होते तो हम कहते राजा पागल हो गया, समुद्र की रस्सी बांटने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसके सैनिक अनुशासित थे, उन्होंने पानी की रस्सी बांटनी शुरू कर दी। तो राजा ने कहा कि क्या दिखाना चाहता है? उसने कहा मेरी फौज इतनी अनुशासित है, उनको पता है कि पानी की रस्सी नहीं बटती, लेकिन फिर भी मेरा हुक्म मानती है, फिर भी अनुशासन में है, फिर भी मैंने समुद्र की रस्सी बांटने के लिए कहा, उन्होंने प्रयास किए। मेरी जीत का एक ही कारण है कि मेरी फौज अनुशासन में है। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो हर लड़ाई जीतोगे, कोई हारने का सवाल ही पैदा नहीं। जब हमारे कई प्रमुख हो जाते हैं तब हम हारते। दूसरी चीज, आप सैकड़ों साल का हजारों साल का इतिहास उठा के देख लो, जब किसी अत्याचार को किसी जुल्म को रोकना होता है तब वो बिना कुर्बानियों के कभी नहीं होता। पिछले आंदोलन में भी 750 शहीदियां देनी पड़ी, तब जाके काले कानून वापिस हुए। तो भैया आपको अभी तो हम 300 छुड़वाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल 300 जेल में जाए, लड़ाई का तो मुंह काला होता है। क्या गलत कह रहा हूं? लड़ाई का तो मुंह काला होता है। आज वो 300 छुड़ाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है 300 क्या छुड़ाए, उनके साथ और रौड़ा हो जाए, 300 जेल में चले जाए, 3000 भी चले जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है हमें लठ पड़े, हो सकता है हम अस्पतालों में भी जाए, ये भी तो हो सकता है। लड़ाई का तो मुंह काला है। तो अगर आपकी ऐसी नौबत आ गई कि पुलिस आपको लठ मारे, पुलिस आपको जेल में ले जाए, पुलिस आपको और जुल्म करे, अत्याचार करे, तो क्या आप लड़ाई में तैयार हो? तो हम इस पंचायत के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार जल्दी ये केस वापिस ले ले। कोई बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं है, बहुत कोई उपद्रवी मांग नहीं है, जिससे सरकार का नुकसान हो जाएगा, सरकार टूट जाएगी, सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसी कोई मांग नहीं है। जल्दी ले ले, वरना का प्रोग्राम तो हमारे भाई सुनाएंगे फिर अगले का, तो अगला जो फैसला होगा वो फिर उसका नतीजा जो है फिर वो आगे गलत निकल सकता है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर जुल्म कौन कर रहा है? सरकार कर रही है ना, ये सरकार बनाई किसने दी? आपने ही बनाई होगी, आपकी वोटों से ही बनी थी। जब आपने सरकार बनाई है और आपने उनको वोट डाले हैं और फिर वो आपको ही पीटते हैं, आज नहीं पीट रहे? हरियाणा में पिछले आंदोलनों में भी 32 लोग सरकार की गोलियों का शिकार हुए, जो पीछे आंदोलन कंडेला कांड, मंडियाली कांड, सतनाली कांड, कादवा कांड, निशंक कांड, उनमें भी 32 किसान सरकार की गोलियों का शिकार हुए। क्या आप इन्हीं कातिलों को दोबारा से बनाते रहोगे या कोई और रास्ता भी चुनोगे? वोट आपकी है, फिर मेरे को कहते हैं ये राजनीति की बात करता है। अरे भाई करे भी कुछ, कोई रास्ता बचा है क्या? क्या
आप अपने बीच से अगर उम्मीदवार खड़ा करने नहीं हो सकता, कई वोट वो खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किसी क्रांतिकारी को, किसी आंदोलनकारी को जो आपके लिए लड़ता मरता हो, अगर उसको खड़ा करके नहीं हो सकता क्या? हाथ खड़े करके बताओ एक बार, हो सकता है? हो सकता है ना? तो फिर हम लोग इस पे आते क्यों नहीं? हम लोग क्यों बार बार कहते हैं हम अराजनैतिक रहेंगे, अराजनैतिक रहेंगे? जब तक अराजनैतिक रहोगे तब तक ऐसे ही टिकते रहोगे। बीजेपी को हटा दोगे, दूसरे को ले आओगे, कसर उसने भी नहीं गुजारनी। उसके पिछड़ा देख लो, उसके पिछड़ा देख लो। तो साथियों, ये आपको अपने बीच से जब तक आप आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को वहां नहीं भेजोगे तब तक व्यवस्था बनने वाली नहीं है। सारे देश के कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बन रहे हैं, आपका खून निचोड़ रहे हैं। जब आप बोलते हो तो आपके साथ ये व्यवहार होता है जिसके लिए हम बैठे हैं। इसके अगली अभी एक और कानून बना दिया कि देश राजद्रोह का देशद्रोह बना दिया। पहले अगर कोई आंदोलन करता था उस पर सबसे बड़ी धारा लगाते थे राजद्रोह, ये राज के साथ सरकार के साथ द्रोह कर रहा है। अब उसका देशद्रोह बना दिया, जिसपे देशद्रोह लगी सारे किसान लीडरों में लगेगी, बता देता हूं। जितने आंदोलनकारी है ना आज तुम चौड़े हो रहे हैं, इनकी सबकी मरोड़ निकलेगी मेरे समय। देशद्रोह लगेगा, देशद्रोह में ता उम्र जेल से बाहर नहीं आएगा। ये कानून बना दिया है, बना दिया है। आगे आप आंदोलनों को नहीं कर पाओगे, आंदोलनों को नकेल डालने के लिए, आंदोलनकारियों को तोड़ने के लिए देशद्रोह लगाओ। अभी समझ जाइए, वक्त है, वक्त है, कर सकते हो अगर ठान लो। इतने लोग जितने बैठे हैं, अगर ये भी ठान ले कि हाँ हम इस बार वो करेंगे जो अपने लोगों को इस बार इन राजनीतिक पार्टियों से पीछा छुड़ा के हम सत्ता में भेजने का काम करेंगे, अगर इतने लोग निकाल लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा विचार गलत है क्या? जितने ठीक मानते हैं हाथ खड़े करो, आधे नहीं करे, आधे बीच में कांग्रेस भी बैठे होंगे। क्यों हम इनको यह डर लगता है अगर इन्होंने पंगा ले लिया तो कांग्रेस हार जाएगी? ये भी तो है ना, दिखाना एक बार अपने नजदीक की पहचान करना कांग्रेस कौन सा है, उठाना हाथ जरा। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बिल्कुल चेतावनी है। मैं अभी अपने संगठन की भी राय करता हूँ, जाके 5 बजे मैंने उनकी मीटिंग बुला ली है। मैं अपने संगठन की भी राय करता हूँ और जो आपका फैसला है वो उस पर हमारा संगठन जो है वो 100% खड़ा उतरेगा। अभी तक सरकार से ये सोच रही है हम पीछे हैं, लेकिन अपने भाइयों को छुटाने में गलत पक्षा दर्ज हुआ है, अक्षय मेरे संगठन का नहीं है, लेकिन मैं बेटे के बराबर मानता हूं उसको। किसी भी संगठन का हो मैं उसको बेटे के बराबर मानता हूं। सरकार यहां से सुन ले कि उसको छुटाने के लिए अपने जो हमारे आंदोलनकारी हैं जो जेल में हैं उनको छुटाने के लिए हम कुछ भी हद तक कुछ भी काम करेंगे, और हमारा जो पूरा संगठन है उस इस आंदोलन में आगे होकर काम करेंगे। तो ज्यादा मैं आपका टाइम ना लूं क्योंकि मैंने 5 बजे की अपनी मीटिंग रखी हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। तो मैं आपका जो है वो धन्यवादी हूं, आपने मेरे को जल्दी टाइम दिया और आपने जो जो भी फैसला वो तय हो चुका है वो भाई सुना देगा। तो हम हर तरह से जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे।